नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में झारखंड स्थापना दिवस को लेकर टाटा स्टील द्वारा आयोजित हुआ संवाद कार्यक्रम, 111 नगाड़ों पर फिरके लोग। जमशेदपुर के साक्षी में शादी पार्टी के दौरान चली गोली, एक बच्चा समेत एक युवक घायल। और जमशेदपुर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा नाथूराम गोडसे की मनाई गई पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में झारखंड स्थापना दिवस को लेकर टाटा स्टील द्वारा आयोजित संवाद 2017 में 111 नगाड़ों की थाप पर देश के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले 40 से अधिक जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ साथ विदेशी डेलीगेट्स ने जमकर मस्ती की। बिस्टोपुर स्थित गोपाल मैदान में टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका समापन 19 नवंबर को किया जाएगा। 4 दिनों तक इस संवाद कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले 40 से अधिक जनजातीय समुदाय के 1500 से अधिक लोगों का जुटान जमशेदपुर में हुआ है। इस वर्ष कई विदेशी सैलानी भी झारखंड की संस्कृति को जानने के लिए इस संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी संस्कृति के साथ पद्मश्री, तुलसी मुंडा व जावा फूल की पूजा करके झारखंड के विभिन्न प्रांतों में निवास करने वाले आदिवासियों की परंपरा को नृत्य के माध्यम से लोगों के बीच प्रस्तुत किया। वहीं इस कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र 111 नगाड़ों की थाप था, जिसमें विदेशी मेहमानों ने जमकर मस्ती की। इनके साथ देश के विभिन्न प्रांतों से आए जनजातीय समुदाय के लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विसेज के वीपी सुनील भास्करन के अलावा कई अधिकारी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के साकी थाना अंतर्गत रामगढ़िया समाज भवन में शादी पार्टी के दौरान गोली चली, जिसमें एक बच्चा समेत एक युवक घायल हो गए। दोनों को आनन फानन में टीएमएच अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। बताया जा रहा है कि रामगढ़िया समाज भवन में शादी पार्टी चल रही थी, सभी लोग नाच गाने के साथ पार्टी का मजा ले रहे थे, तभी अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसमें एक बच्चा और एक युवक घायल होकर जमीन पे गिर गए। गिरते ही पूरे पार्टी में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। वहीं कुछ लोगों द्वारा दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं घायल बादशाह और जसप्रीत को एक एक गोली लगी है। दोनों जुगसलाई के रहने वाले हैं और अपने परिजन के यहां शादी पार्टी में आए हुए थे। वहीं गोली की खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई, मगर अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गोली किसी लाइसेंसी पिस्टल से चली है या गैर लाइसेंसी से। उसी में दो बच्चों को जो है उनको छर्रा लगा है। डाटा मैंने जब हम लोग को खबर मिला तो हम लोग टी एम एच में आए हैं खबर लेने के लिए। अभी खतरे से बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या नाम है दोनों का? एक साहेब सिंह है और एक और है ये हर्ष की। साहेब सिंह ये कहाँ का है दोनों और कैसी गोली चली? फ्लाई गया दोनों। कैसे गोली कैसे चला? उस शादी में पार्टी चल रही थी किसी की, उसी में किसी ने गोली चलाया। तो मैं पता करेंगे, पुलिस ने इसको खबर दी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। क्या ये लाइसेंसी था या गैर लाइसेंसी था? नहीं, जैसा पता लगा है तो लाइसेंसी है, अब वास्तविकता क्या है हम तो देखे नहीं। और इधर आपको बताते चलें कि जमशेदपुर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की 68वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। गोलमुरी स्थित सिपी कबीर क्लब में अखिल भारतीय हिंदू महासभा झारखंड इकाई के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या करने वाले राष्ट्रीय सेवक संघ के सदस्य नाथूराम गोडसे की 68वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर हिंदू समाज के कई लोग मौजूद थे, सभी ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस श्रद्धांजलि सभा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू जनजागृति मंच के प्रचारक चितरंजन सौरभ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे ने जो भी कार्य किया है वह राष्ट्र और देश पर समर्पित होकर किया है, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज जरूरत है पूरे हिंदू समाज को एकत्रित होकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण करने की। नाथूराम गोडसे जी के संदर्भ में समाज में एक गलत प्रचार है, तो हमें सब एकत्रित होकर के बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कार्य किया है उन्होंने राष्ट्र और देश के लिए समर्पित होकर के किया है। पूरा हिंदू समाज उनका जो ये कार्य है इस कार्य को सराहना करती है, ये हम समाज को बताना चाहते हैं। साथ ही हमारा एक ये कहना है कि पूरी जो हिंदू समाज है उनको एकत्रित होने की आवश्यकता है। आज जो समाज अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रहा है राजनीति के माध्यम से, ये विश्व में एकमात्र देश है जहाँ बहुसंख्यकों का अवहेलना किया जाता है और अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है। इसीलिए बहुसंख्यक हिंदुओं को एकत्रित होना है और ये साकार हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है, ये हम समाचार समाज को देना चाहते हैं। वहीं इस अवसर पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा झारखंड इकाई के उपाध्यक्ष अमित पाठक का कहना है कि नाथूराम गोडसे ने जो अखंड भारत का सपना देखा था उसे आज पूरा करने की जरूरत है। नाथूराम गोडसे ने हिंदुओं की आस्था को बचाकर रखने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, जो हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर ये हत्या नहीं होती तो भारत कई टुकड़ों में बट गया होता। ऐसे महापुरुष को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सपनों को साकार करने के लिए अखंड भारत की लड़ाई की शुरुआत करेंगे, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अगर महात्मा गांधी जी को गोली नहीं मारी जाती तो हम सब एक नए पाकिस्तान का स्थापना ये खुद भारत में भी देख सकते हैं, क्योंकि 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना तो हो गई थी, किंतु गांधी जी की हमेशा जीत और हमेशा एक नए उपवास, हमेशा एक नया षड्यंत्र, हमेशा हिंदुओं को रोकता था और हमेशा हिंदुओं के विरोधी होता था। तो नाथूराम गोडसे जी को ये कभी भी अच्छा नहीं लगा कि एक बार बार हिंदू का विरोध होना, बार बार हिंदुओं को सपोर्ट में नहीं आना, और गोडसे जी से जो गोली मारी गई ये बहुत अच्छा हुआ। अगर वो गोली नहीं चलती मुझे लगता है कि हम लोग आज के रूप को बलिदान दिवस करें। और इधर भाजपा सरकार के झूठे वादे और विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा सरकार के पोल खोलो अभियान झामुमो ने पद यात्रा के माध्यम से चला दिया है और सरकार का विरोध किया। वहीं इस मौके पर काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद थे। आज हरिणा मंदिर से हल्दी पुखुर तक बिरसा मुंडा जन्म जयंती के अवसर पर उत्कुलन पैदल रैली रखा गया था, उसमें इस भाजपा दमनकारी सरकार के खिलाफ में जो 1000 दिन का जो योजना के बारे में बता रहा, जो उपलब्धि बता रहा, इसमें झारखंडिया मानुष का, ये आदिवासी मूलवासी का उपेक्षित है इसमें, और इसमें रघुवर सरकार और इस योजना के तहत यहाँ के प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और इधर जमशेदपुर के DBMS जुस्को स्कूल के बच्चों के बीच फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने प्रकृति को बचाने का संदेश सभी को दिया। इस दौरान सभी बच्चों ने प्रकृति का रूप धारण किया। छोटे छोटे बच्चे पेड़ पौधे फल आदि बनकर अपने नृत्य के माध्यम से सभी को प्रकृति का संदेश दिए। स्कूल के प्राचार्य के मुताबिक स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ है और विश्व स्तर पर जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके प्रति सभी को जागरूक करने हेतु 7 चरण में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसके माध्यम से सभी को अपनी प्रकृति की रक्षा करने का संदेश दिया जाएगा। इस
काउंसिल के साथ मिल करके इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड में पार्टिसिपेट किया है। इसके अंदर हम लोग 7 प्रोजेक्ट्स करेंगे और आज उस 7 प्रोजेक्ट्स का एक हिस्सा है जहां हम इंटरनेशनल रूट्स, इंटरनेशनल कंट्रीज और इंटरनेशनल डांसेस के बारे में बच्चों को सिखाएंगे और बच्चों को बताएंगे। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन टू गेट अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल सीन एंड टू गेट एन अक्वेंटेड विद इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड लेट देम नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। इट इज़ अ ग्लोबल रीच। खबरों में वक्त है, फिर से देखा अब बन गई। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? अरे अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर में खेले जा रहे ऑल इंडिया रैकिंग टेनिस टूर्नामेंट में देश के विभिन्न प्रांतों से आए 32 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन और टाटा स्टील खेल विभाग के सौजन्य से ऑल इंडिया रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में 14 राज्यों के 32 से अधिक खिलाड़ी इंडियन रैंकिंग में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। बेल्डी क्लब में सिंगल और डबल क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा को लोगों के समक्ष रखा। इस टूर्नामेंट का समापन 17 नवम्बर को किया जाएगा। हमारा मिल गया आपने। और इधर विहंगम योग द्वारा संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के पावन जन्मोत्सव पर आदित्यपुर में आगामी 18 नवंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विहंगम योग द्वारा संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के पावन जन्मोत्सव के मौके पर आगामी 18 नवंबर को आदित्यपुर 2 स्थित कुनाल मेडिकल हॉल में रक्तदान मानव सेवा को समर्पित एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रक्तदान शिविर में उद्घाटनकर्ता के रूप में समाज सेवी मीरा मुंडा और मुख्य अतिथि के रूप में कन्हैया लाल अग्रवाल शामिल होंगे। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए विहंगम योग के पूर्व महामंत्री और समाज सेवी नगीना सिंह ने बताया है कि रक्तदान शिविर को लेकर विहंगम योग द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। विहंगम योग संत समाज सरायकेला जिला के तरफ से किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कन्हैया लाल अग्रवाल जी आ रहे हैं और उद्घाटनकर्ता श्रीमती मीरा मुंडा जी होंगे। स्वाइन तथी सरेंद्र सिंह हैं और बहुत से लोग यहां पर उपस्थित होंगे। इसमें लगभग 100 से ऊपर यूनिट ब्लड का आयोजन किया गया है और आम जनता से हमारा अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान देकर के और सेवा का भागी बने। और यहाँ आपको बताते चलें कि सरायकेला के कपाली में नागपुरी साची दिल से एल्बम रिलीज किए गए जिसमें 5 गाने हैं, लेकिन फिलहाल 3 गाने रिलीज किए गए हैं। ये गाना बहुत हिट हो, यूट्यूब में सब कोई लाइक करें और जितना सब्सक्राइब करेंगे इनको उतना ही आगे बढ़ने का ये होगा। जितना ये राइज करेंगे उतना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और नया कुछ गाना ये लिख रहे हैं जो बहुत जल्दी आने वाला है मार्केट में। ये मतलब एक सांची दिल से एक मतलब सॉन्ग है, मतलब कि गाना है, वीडियो है और हम लोग मतलब इसको सब मिलजुल के मतलब हम लोग इसको तैयार किए हैं और मतलब हम लोग इसको रिलीज किए हैं। इससे पहले भी किए आप लोग? नहीं, इससे पहले नहीं किए। हम लोग का मतलब ये पहला है और हम लोग चाह रहे हैं कि ये शुरुआत मतलब बहुत आगे मतलब जाने का हम लोग सब मिलजुल के मतलब प्रोग्राम की। और इधर जमशेदपुर के साक्षी आम बगान सना कॉम्प्लेक्स में स्टडी जोन प्लस का द्वारा दूसरा ब्रांच खोला गया।
इंस्टीट्यूट के निदेशक ने बताया है कि दूर दराज से बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखकर स्टडी जॉन प्लस का दूसरा ब्रांच शुभारंभ किया गया। यहां पर बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हर तरह के क्षेत्रों के बच्चे जो हैं, साक्षी कदमा वगैरह के बच्चे जो हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता था, तो ये चीज़ की मुझे कमी लगी और मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसा केंद्र, ऐसी जगह में हमारा संस्थान होना चाहिए जहाँ पे कि सारे हर तरह के स्टूडेंट्स और हर क्षेत्र से स्टूडेंट्स हमारे पास आ सके, तो ये सबसे बेहतरीन साधन होगा और यहाँ पे हम उससे भी ज़्यादा अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। क्या क्या होगा यहाँ पे? हम अभी साइंस स्टूडेंट्स के लिए मतलब क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी शिक्षा दी जा रही है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। जमशेदपुर में झारखंड स्थापना दिवस को लेकर टाटा स्टील द्वारा आयोजित हुआ संवाद कार्यक्रम, 111 नगाड़ों पर फिरके लोग। जमशेदपुर के साक्ची में शादी पार्टी के दौरान चली गोली, एक बच्चा समेत एक युवक घायल। और जमशेदपुर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा नाथूराम गोडसे की मनाई गई पुण्यतिथि। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।